33,000 करोड़ रुपए डाला मनरेगा में, उन्होंने 33,000 करोड़ रुपए नैनो में डाला। कर्जा ने रोकवा माटे ना जितना षड्यंत्रों थाय ये बड़ा षड्यंत्रों कांग्रेस ने, बड़ा षड्यंत्रों। आपको शिक्षा नहीं दी, आपको स्वास्थ्य नहीं दिया, आपको रोजगार नहीं दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की सवाई सरकार सामे पास भिड़वानी हिम्मत नरेंद्र मोदी माती उपवास करने नर्मदा में पानी लायो। चुनावी जंग या जुबानी जंग, ये चलती रहेगी। लेकिन नमस्कार, दस्तक में आपका स्वागत है, मैं हूं निशान चतुर्वेदी। गुजरात का ऐतिहासिक सोमनाथ आज जंग का मैदान बना रहा, जब राहुल और मोदी दोनों लगभग एक ही वक्त पर वहां पहुंचे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंदिर में दर्शन नहीं किए, लेकिन चुनावी रैली से कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। सोमनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान राहुल गांधी के धर्म से जुड़ा विवाद भी खड़ा हुआ, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले बात सोमनाथ मंदिर के साये में छिपी उस बस्ती की, जो विकास के गुजरात मॉडल को मुंह चढ़ा रही है। ये सोमनाथ मंदिर है, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला। 17 बार उसे लूटा गया, तोड़ा गया और हर बार सोमनाथ मंदिर भव्य रूप में खड़ा होता रहा। तो सोमनाथ का अपना पौराणिक महत्व है और राजनीतिक महत्व देश ने अडवाणी की रथ यात्रा से देख लिया, जब सारथी के रूप में मोदी रथ यात्रा की कमान संभाले हुए थे। मोदी का राष्ट्रीय पटल पर अवतरण इसी रथ यात्रा के जरिए हुआ। 1990 से लेकर अब तक साबरमती में बहुत पानी बह गया, अडवाणी मार्गदर्शक मंडल में और मोदी के हाथ देश की कमान है। और देश की कमान संभालते हुए भी मोदी के लिए गुजरात चुनाव इतना अहम है कि वो कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे। आलम ये कि आज जब राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर में पूजा कर रहे थे, लगभग उसी वक्त सोमनाथ के प्राची में मोदी राहुल पर सोमनाथ मंदिर के आसरे ही निशाना साध रहे थे। अने आजे जे लोकने सोमनाथ दादा याद आवे छे, एमने मारे जरा पूछू छे के तमने इतिहास खबर छे, तमारा पर नाना जे आ देशना पहला प्रधानमंत्री हता, अने जारे सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ नो पुनरुद्धार करता हता, त्यारे एमना नाकना टेरवा चढ़ी गया था। तो गुजरात चुनाव में लड़ाई अभी और तल्ख होगी, ये तय है। लेकिन सवाल राहुल और मोदी का नहीं, आम लोगों का है। तो आइए सबसे पहले इस सोमनाथ मंदिर के पिछवाड़े रह रहे लोगों का हाल ही देख लिया जाए। एक तरफ भव्य सोमनाथ मंदिर है तो दूसरी ओर अनंत अरब सागर। जी हाँ, यही वो अद्भुत स्थान है जहाँ पे ब्रह्मा ने चंद्र भगवान को कहा था कि आप यहाँ शिव की पूजा करिए और आप के सारे रोग दूर हो जाएंगे, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन इस मंदिर की चमक भी इस वाल्मीकि बस्ती की गंदगी को दूर नहीं कर पाए। जी हाँ, मंदिर से मात्र 10 कदम की दूरी पर ये वाल्मीकि बस्ती। जी हाँ, ये सोमनाथ मंदिर के पीछे बसी वाल्मीकि बस्ती है, जहाँ सफाई कर्मचारी रहते हैं। लेकिन कैसे रहते हैं, खुद सुन लीजिए। 8 दिन से पानी आता है और एक पूरा गंदगी, हम गंदगी में जी रहे हैं। पछी संडा सुविधा, संडा पानी की सुविधा नहीं है, रोड नहीं बने तो इधर बीमारी बीमारी। हाँ, बहुत मच्छर उठते, सब गंदगी है तो इधर। पीने का पानी बस्ती में हफ्ते में एक दिन आता है, गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है, सड़कें हैं नहीं। लेकिन जो बात चौंकाती है वो है शौचालय की कमी। खंडहर सा आपको नजर आ रहा है, यही शौचालय है जो कि वाल्मीकि बस्ती में है और ये वो शौचालय है जहां तमाम महिला जाती हैं। कितना वर्षों से बहुत परेशानी से हमारे,
કેટલા સાલ થી છે કે 10-15 સાલ થી દરવાજા નથી, બારી પાણી નથી, કોઈ નથી, આ સંડાસ બાથરૂમ નહી, કોઈ સુવિધા નહી, પાણી ની નહી, દરવાજા નહી, કેમ બાયું બેઠે? એ તો બહુ સાલ હો ગયા, જબ સે બના જ નહીં હૈ, જો બનતા હૈ વો દરવાજા સબ લેકે ચલે જાતે, ખુલ્લા રહેતા હૈ, કેસી હમારી ઓરતે જાયેગી, અપની માં બહેન સબ જાતી હૈ, હિન્દુ મુસલમાન સબ, વો સબ બહુત ગંદકી હૈ પટન મેં ઇધર। હમ સફાઈ કામદાર હૈ, વાલ્મીકિ હૈ, સફાઈ કામદાર હૈ, હમ પૂરા ગાંવ કા સફાઈ કરતા હૈ, લેકિન યહાં પે કોઈ સફાઈ નહીં કરતા હૈ, હમકો કોઈ સગવડ, હમકો કોઈ સગવડતા નહીં દેતા હૈ, સરકાર ને એસા ભી લિખા હૈ કે જો 4 કર્મચારી સફાઈ કામદાર હોતા ને ઉસકો 24 ઘંટા પાણી દેના પડતા, વો કોઈ નિયમ નહીં લગતા। ये तस्वीर इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि एक तो ऐसी तस्वीर विकास के गुजरात मॉडल को कटघरे में खड़ा करती है, तो दूसरी तरफ ये हाल उसी गुजरात का है जो स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में देश में नंबर एक पर है। लेकिन अब चुनाव है तो क्या कुछ बदलेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की लड़ाई तो बुनियादी जरूरतों की है। वोटिंग के टेप पर सब आते हैं, हमको वोटिंग करो, ये करो, वो करो, हाथ जोड़ता है, ये करता है, फिर काम हो जाता है, फिर तुम कौन और हम कौन? ये सिर्फ वादा देते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। हम वोट नहीं देंगे, जब तक हमारा काम नहीं होगा हम वोट नहीं देने वाले। तो सोमनाथ मंदिर के आसरे हिंदुत्व कार्ड भले ही राजनीतिक दल खेलें, लेकिन बड़ी जरूरत हाशिए पर पड़े लोगों को बुनियादी सुविधाएं दिलाने की है, जिस पर किसी का ध्यान है ही नहीं। सोमनाथ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सोमनाथ मंदिर में दर्शन कर अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की, तो उनका नाम मंदिर के रजिस्टर में गैर हिंदू के तौर पर दर्ज हुआ और फिर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का एक अजब ही खेल। मगर आज कहीं न कहीं ये मालूम पड़ रहा है और ये दिख रहा है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी है, जहां तक गांधी परिवार है और जहां तक राहुल गांधी है, उनके लिए धर्म सुविधा का विषय है। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट और गुरेज नहीं कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। अब बात उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की। आज यूपी में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। अब सभी की निगाहें 1 दिसंबर पर हैं, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। निकाय चुनावों में जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत झोंकी है, उसके बाद यह चुनाव अपने आप में उनकी नाक का सवाल बन गया। तो यूपी के निकाय चुनाव में लगभग आधे वोटरों ने अपने मत का इस्तेमाल किया, लेकिन इन आधे वोटरों से तय नतीजों का असर अगर किसी राजनेता पर पड़ना है तो वह है सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ। दीपावली जैसी रोशनी हर नगर निकाय में प्रतिदिन होती रहे। योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव को जीतने के लिए जितना पसीना बहाया है, उतना पसीना आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बहाया। योगी ने करीब 3 दर्जन रैलियां की और जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दरअसल योगी को बखूबी मालूम है कि यूपी में निकाय चुनाव के नतीजों को 2019 लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। बीजेपी की सुपर जीत के बाद योगी पर हर चुनाव जीतने का दबाव है। योगी जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। योगी मोदी की राह पर भी चलते दिखना चाहते हैं। मोदी गुजरात में सीएम के तौर पर निकाय चुनाव में प्रचार करते थे। यदि इलेक्शन के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो बिल्कुल हो सकता है कि 2019 तक इनका कंटिन्यू करना मुश्किल हो सकता है दिल्ली भेज दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इसलिए इनके लिए बहुत ही क्रूशल है ये इलेक्शन। निकाय चुनाव को किस कदर गंभीरता से लिया गया, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटवाकर चेहरे का मिलान करवाया गया ताकि फर्जी वोटिंग पर रोक लगाई जा सके। कई मुस्लिम महिलाएं इससे नाराज दिखी तो सुरक्षा कर्मियों ने दो टूक कहा, यही निर्देश है। ये वोट हम लोग दे चुके हैं इसके पहले भी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि निकाब हटा के मुँह देखा जा रहा है। ऊपर से निर्देश है कि मतलब जो भी बुर्का महिलाएं उनको मतलब पहचान पत्र से मिलान किया जाए उसका चेहरा उनका। दरअसल निकाय चुनाव को कभी लोकल इलेक्शन के तौर पर देखा जाता था जिसमें स्थानीय मुद्दे हावी होते थे, लेकिन इस बार जिस तरह नोटबंदी और GST का मुद्दा भी निकाय चुनाव में उठा, उसने साफ कर दिया कि स्थानीय मुद्दे पीछे छूटे। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत कर साबित करना चाहते हैं कि राज्य और केंद्र की सरकार सही दिशा में है। हालांकि बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये योगी का लिटमस टेस्ट है।
आज अंतिम दौर का मतदान पूरा हो गया है और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है वो बढ़ा हुआ प्रतिशत योगी जी के काम पर मोहर लगा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे 1 दिसंबर को आ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में अपना दम खम लगाया है और जिस तरीके से उन्होंने इसे अपने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है, कहीं ना कहीं उनके लिए इस चुनाव नतीजे के मायने 2019 तक जाते हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। चुनावों की खबरों से बाहर निकलकर अब बात उस मुद्दे की जो खासा अहम मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा। केंद्र सरकार मुद्रा योजना के जरिए करोड़ों लोगों को कर्ज देने का दावा कर रही है, लेकिन राजस्थान में मुद्रा और भामाशाह योजना का हश्र इस दावे को लेकर राज्य और केंद्र के इरादों पर सवाल खड़े करता है। मुख्यमंत्री राजस्थान की अजमेर, अलवर लोकसभा सीट और कुंभलगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए शपथ लेते युवाओं का ये वीडियो राजस्थान बेरोजगार संघ ने बनाया है। बेरोजगारों का कहना है कि नौकरी नहीं है और सरकार 15 लाख नौकरी देने के वादे से पलट गई है, तो अब सरकार को सबक सिखाया जाएगा। राजस्थान में 50 लाख युवा बेरोजगार है और जिसका परिणाम सरकार को उपचुनाव में जो अजमेर, अलवर, मांडलगढ़ में जिसका परिणाम सरकार को मिलेगा, हम प्रत्याशी उतार रहे हैं, हर जगह हमारी टीम खड़ी कर दी है और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे क्योंकि सरकार हमारे साथ भविष्य के साथ कुठारघात कर रही है। अब इस भीड़ को देख लीजिए, राजस्थान विधानसभा के बाहर ये कतारें उन बेरोजगारों की हैं जो चपरासी बनना चाहते हैं। 12 पदों के लिए 25,000 लोगों ने आवेदन दिए थे, जिनमें से 18,000 युवाओं को बुलाया गया है। इनमें से ज्यादातर एमए, एमबीए और बीएड हैं, जो नेताओं को चाय पानी पिलाने का काम मिल जाए इसीलिए इंटरव्यू देने आए हैं। बेरोजगारी के दौर में जो भी मिल जाए वो ठीक है, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा। अब कुछ नहीं मिल रहा तो चपरासी के लिए तैयार है। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं बीएड हूं सर। तो राज्य में नौकरी है नहीं, ये सच है, और राज्य सरकार नौकरी दे नहीं पा रही, ये भी सच है। हमने कोशिश की है कि व्यक्ति को सिर्फ सरकारी रोजगार या सरकारी सहायता पर ही आश्रित नहीं रखें, उसे आत्मनिर्भर बनाएं, उसे सक्षम बनाएं, उसे रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाएं। तो वसुंधरा राजे चाहती हैं कि राज्य के युवा नौकरी देने वाले बने। नौकरी देने वाले मतलब अपना काम खुद करें। अपने काम के लिए युवाओं को पैसा चाहिए और राजस्थान में लोगों को मुद्रा और भामाशाह योजना के तहत लोन नहीं मिल रहे थे, तो 8 महीने पहले सरकार ने फैसला किया कि अब सरकार का उद्योग विभाग स्वरोजगार पैदा करने वालों को प्रोजेक्ट अप्रूव कर बैंकों को भेजेगा ताकि बैंक लोन देने से मना नहीं करें और मना करने वालों बैंकों का फौरन पता चल जाए। लेकिन हद देखिए कि इस योजना की बैंकों ने धज्जियां उड़ा कर रखी। राजस्थान में पिछले 8 महीने में सरकार ने 10,618 लोगों के आवेदन बैंकों को भेजे, जिनमें से महज 879 लोगों को लोन मिला। जयपुर से 336 लोगों के लोन के आवेदन सरकार ने भेजे, इनमें से महज 13 लोगों को लोन मिला। और किस बैंक ने कितने लोन दिए ये आपकी स्क्रीन पर है। जी, कई बैंकों ने तो सरकार की सिफारिश के मुताबिक एक शख्स को भी लोन नहीं दिया। और ये हाल है तब जब राजस्थान सरकार ने लोन रिकवरी की गारंटी भी दी है। प्रधानमंत्री हो या बीजेपी का कोई भी नेता, बेरोजगारों को लोन बांटने की अपनी सरकार की सफलता की कहानी सुनाते नहीं थकते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के आंकड़ों ने उनके दावों की कलई खोल कर रख दी है। नेताओं के वादे और दावे और हकीकत में कितना फर्क होता है ये सब दिख रहा है। शरद कुमार, जयपुर आज तक। आम आदमी की जेब से जुड़ा मुद्दा है महंगाई। प्याज, टमाटर, अंडे और सब्जियों की बढ़ती कीमत ने इन दिनों आम लोगों की हालत खराब कर रखी है, लेकिन महंगाई का मुद्दा खाद्य मंत्री से लेकर कृषि मंत्री के लिए कितना गंभीर मुद्दा है, भाई आप खुद देख लीजिए। लोग ये जानना चाहते हैं कि प्याज की कीमत कम होगी कैसे और कितना समय लगेगा। देखिए, मैंने हकीकत बतला दिया, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो खाद्य मंत्री रामविलास पासवान नहीं जानते कि प्याज की कीमतों में लगी आग कब ठंडी होगी। आपको हमने बतला दिया। और देश के कृषि मंत्री से प्याज की कीमतों पर सवाल पूछने पर वो क्या जवाब देते हैं ये भी सुन लीजिए।
सर, प्याज की कीमत जो है वो 70-80 रुपए किलो पहुंच गई है, क्या आपको लगता है पिछले साल जो कम हो गई थी कीमतें उसका असर है? अभी हमने राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया था और आपको जानकर एक खुशी होगी कि दूध के उत्पादन में 13-14 के बनिस्पत 19% की वृद्धि हुई जी। प्याज के मुद्दे पर सवाल पूछने पर दूध उत्पादन का जवाब और फिर सवाल किया तो मछली प्रोडक्शन पर जवाब दे दिया। सर, प्याज के मामले में क्या लगता है क्यों कीमतें इतनी ज्यादा? देखिए, मछली का उत्पादन भी नीली क्रांति के बाद बहुत ज्यादा देश में बढ़ा है। दरअसल कृषि मंत्री चाहते ही नहीं थे कि वो प्याज की कीमतों पर जवाब दें क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनका मामला नहीं है, लेकिन अगर कीमतें बढ़ी हैं तो मामला मंत्री संतरी का नहीं बल्कि आम लोगों का है क्योंकि जेब उनकी ढीली हो रही है। और सब्जियों की बढ़ती कीमतों का आलम इस वक्त क्या है ये दिल्ली के सफल और मदर डेयरी में बीते साल सब्जियों के भाव देखकर समझा जा सकता है। तो बीते साल नवंबर की तुलना में सब्जियों के भाव करीब 30% ज्यादा है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि दाम कब कम होंगे। ये पिछले बार जो सामान 4-5 रुपए बिक रहा था इस बार 25-30 रुपए बिक रहा है। बहुत बुरी इस बार तेजी है, पिछले साल बहुत मंदा था बंद गोभी का भी, तो इस साल बढ़िया है, यानी कि किसानों के 2 पैसे बच जाएंगे इस साल। हर साल घाटा झेल रहे किसानों ने इस बार पैदावार ही कम कर दी है। कम पैदावार और ज्यादा मांग की गणित ने इस सब्जियों की इस मौसम में कीमतें बढ़ा दी हैं। और रही कसर अंडे ने निकाल दी है। दिल्ली में एक तरफ जहां सब्जियां महंगी है तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप अंडे खरीदने भी निकले हैं तो भी आपकी जेब पर राहत तो कम से कम नहीं मिलेगी क्योंकि इस वक्त दिल्ली में अंडे के जो भाव हैं वो भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो जो खुदरा और थोक महंगाई दर आंकड़ों में बढ़ी दिख रही है अब उसका असर आम आदमी की जेब पर दिखाई देने लगा है। और चिंता की बात ये कि सरकार ये बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या सब्जियों, प्याज और अंडे की महंगाई कब कम होगी। खाने पीने की चीजों की कीमतें एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम आदमी सीधे तौर पर प्रभावित होता है, इसलिए जब कीमतें बेकाबू होती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।